प्रयागराज के खुरपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने पहुंची। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किसी तरह वहां से निकलकर पीड़िता ने खुरपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी समेत दो लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बीती रात में ही पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता प्रयागराज के नैनी की रहने वाली है। मौजूदा समय में वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। तहरीर के मुताबिक आरोप है कि पूर्व में वो कई बार घर लौटते वक्त घूरपुर स्थित जीवा रेस्टोरेंट में नाश्ता करने जाती थी। रविवार को भी वो शाम 4 बजे रेस्टोरेंट पहुंची। इस दौरान कैश काउंटर पर बैठा रोहन उससे मिला, जिसने खुद को रेस्टोरेंट का मालिक बताया। इस दौरान वो उसे झांसा देकर रेस्टोरेंट के पीछे ले गया और फिर वहां चाकू निकाल लिया। साथ ही हत्या करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और गाली गलौज भी की। पीड़िता उनके चंगुल से छूटने के बाद घूरपुर थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने रोहन को नामजद करते हुए एक अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म, गाली गलौज और धमकाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। SSP प्रयागराज का कहना है कि पुलिस ने घटना के कुछ देर बाद ही आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए युवक की बहन का एक मुकदमा दहेज प्रथा का दर्ज है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला पेशबंदी का लग रहा है। युवती की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे जो भी तथ्य विवेचना में सामने आएगा, पुलिस उसके आधार पर आगे की कार्यवाही करेगी। अभियुक्त है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उस पर यह आरोप था कि इसने रेप किया है। अभियुक्त के बारे में ये जानकारी मिली है कि अभियुक्त की बहन का एक मुकदमा 304B दहेज हत्या का पहले से दर्ज था और एक महिला ने रेप का आरोप लगाया, तो उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मुकदमों को मंगाया गया है, दोनों के तथ्यों और साक्ष्यों का अनुशीलन किया जा रहा है और अन्वेषण और विवेचना के उपरांत जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी।